एक डेयरी से ब्रांड बनने तक का सफर तय किया है चितले बंधु कंपनी ने। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। 1939 में महाराष्ट्र में रहने वाले एक डेयरी चलाने वाले किसान ने कुछ दर्जन भैंसों को खरीदा और डेयरी फार्म का एक सफल बिजनेस खड़ा किया। जमींदारों और साहूकारों के परिवेश से आए डेयरी किसान भास्कर गणेश चितले, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तब उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि उनका ये बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। डेयरी फार्मिंग से शुरू हुआ ये बिजनेस आज एक बड़ा नाम बन चुका है। चिवड़ा, भाकरवाड़ी, मिठाइयाँ, सेव, गाठी, पापड़ी और भी तमाम तरीके के स्नैक्स बनाते हैं चितले बंधु ब्रांड। ब्रांड मेन्यू में 60 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और 40 प्रकार की नमकीनें शामिल हैं। हर दिन लगभग 2000 से 2500 ग्राहकों की खरीदारी के साथ इनका औसत कारोबार लगभग 200 करोड़ का है। भास्कर गणेश चितले ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद वो साल 1939 में सांगली जिले के भिलवड़ी आ गए। यहाँ दूध वगैरह का माहौल अच्छा देखकर बाबा साहब को डेयरी व्यवसाय का ख्याल आया, जिसके लिए वो अपने बड़े बेटे रघुनाथ चितले को मुंबई में बिजनेस संभालने के लिए अपने साथ ले आए। बाद में इनके भाई नरसिंहा भी इसी बिजनेस से जुड़ गए। शुरुआत में खुदरा व्यापारियों के साथ व्यापार करने के बाद चितले बंधुओं ने अपने ब्रांड को शुरू करने की सोची। 1950 के दशक में रघुनाथ के दो अन्य भाई परशुराम और दत्तात्रेय भी बिजनेस में शामिल हो गए। चितले डेयरी में दूध उत्पादन ज्यादा था, जबकि स्टोरेज की बड़ी व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, चितले डेयरी और चितले बंधु मिठाई वाले। 1980 से 1995 के समय में ये एक विशेष महाराष्ट्रीयन ब्रांड था, जो अन्य समुदायों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था। 70 के दशक में नरसिंहा के एक पड़ोसी ने उन्हें एक गुजराती स्नैक्स भाकरवाड़ी के बारे में बताया। बाद में चितले बंधुओं ने इस गुजराती स्नैक्स को दो राज्यों के स्वाद को ध्यान में रखकर बनाना शुरू किया, गुजरात और महाराष्ट्र। घर की दो औरतों ने भाकरवाड़ी को अच्छे से बनाना सीख लिया था। साल 1976 में ये भाकरवाड़ी बाजार में बिकनी शुरू हुई और जल्द ही इसकी मांग इतनी बढ़ गई जिसे पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा था। चितले ब्रांड देश की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1971 में दूध को पाउच में पैक करना शुरू किया था। पहले कांच की बोतलों को संभालना, उन्हें साफ करना काफी मुश्किल भरा होता था, इससे काफी नुकसान भी झेलना पड़ता था। दूध को पाउच में पैक करने की वजह से इन तक ज्यादा ग्राहक भी पहुंच पा रहे थे। आज के वक्त में हर रोज लगभग 8 लाख लीटर दूध को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से 4 लाख लीटर दूध बेचा जाता है और बाकी बचे हुए दूध से गाढ़ा दूध और दही, पनीर, श्रीखंड, घी, चीज और दूध पाउडर आदि बनाया जाता है। आज डेयरी बिजनेस सेंटर के लगभग 75 किलोमीटर तक कई दूध संग्रह केंद्र हैं। लगभग 40,000 किसान इस ग्रुप के साथ काम करते हैं, जो दूध संघ को अपना कच्चा दूध सप्लाई करते हैं। हर किसान लगभग 20 लीटर दूध की सप्लाई करता है। इनका दूध सप्लाई का बिजनेस मुंबई और पुणे तक ही है, जबकि चितले बंधु मिठाई की मांग दुनिया भर में है। इस ब्रांड को इस साल 82 साल पूरे हो गए हैं।